हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कुक विद कनक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही टेस्टी चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब आपको इजी और चटकारेदार खाने का कुछ मन करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये हरियाणा साइड की बहुत ही फेमस चटनी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस चटनी की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 4 मीडियम साइज के टमाटर, बिल्कुल पके हुए लाल लाल टमाटर हैं, जिससे चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। 10 से 20 कलियाँ लहसुन की ले रही हूँ, इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा जाता है, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। हरी मिर्च ले रही हूँ, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ये चटनी थोड़ी तीखी ही अच्छी लगती है, तो आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हम इन टमाटरों को कट कर लेंगे, इसकी आंच को साफ करते हुए रफली चॉप कर लेंगे। टमाटरों को मैंने काट लिए हैं, अब इन सभी को डालेंगे एक मिक्सी जार में। सभी को मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है, अब इसे दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे इसे, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। अब एक कढ़ाही लेंगे, इसे गरम करेंगे हाई फ्लेम पर। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, घी गरम हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच के करीब जीरा, जीरा तरक चुका है। अब इसमें डाल देते हैं चटनी। मैं यहाँ घी का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो तेल का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसे गाढ़ा होने तक थोड़ी देर पका लेंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इसका कलर कितना बढ़िया सा आ गया है। इस चटनी के साथ आपको सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना सब्जी के ही इस चटनी के साथ सभी एक रोटी ज़्यादा खाएंगे। बस इतना ही गाढ़ा करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब हमारी चटनी हो गई है तैयार, गैस को कर लेते हैं ऑफ, आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी हरियाणा वाली चटनी की रेसिपी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड, इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आपको बनाने में बस 5 मिनट का समय लगेगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।